From the Mumbai studios of Republic TV, it's time for The Debate. प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल में एडमिट होने के दौरान कितने रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है, इसका जायजा लिया आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम ने। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि क्या दर मरीजों से वसूली जाती है। Foreseeing that private hospitals might take advantage of the COVID-19 crisis and charge patients during desperate times, the Uttar Pradesh government had released a price cap on bed charges. Republic TV went on the ground for a reality check. Our sting cameras captured the truth. चलो एक दिन का कितना पड़ेगा लगभग 50,000 पर डे। उसमें दवा और सब आपका ऑक्सीजन उसमें 24 घंटे। The price quoted by this private hospital was 5 times more than the cap set by the UP government for an isolation bed with oxygen. We went to another private hospital nearby. एक दिन का है क्या मेडिसिन लगभग कितने की पड़ जा रही होगी? वैसे हो तो उसके डॉक्टर जैसे चलाएगा, मेडिसिन यहाँ भी ले सकते हो, आपके मन से दवाई लीजिए। 10,000 और मान लें। हाँ, 10-12,000 मान, एक दो दिन दो। ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन उसी में 30-35 में रहेगा ना ऑक्सीजन? ऑक्सीजन 800 रुपया प्रति घंटा लगता है। 800 रुपया प्रति घंटा। In the third private hospital too, the patients were asked to shell out a hefty price per day. हमारे वो रिलेटिव वो बता रहे हैं कि बाईपैप की जरूरत है। L3 में जाएंगे वो। बाईपैप खाली होगा तभी। And in the fourth private hospital, after a lot of prodding, the staff relented on the price of the bed. The UP administration confirmed that the rates have been unchanged for private hospitals. Hello. Sir, Vivek bol raha hu Republic TV se. Haan ji. एक जानकारी ये चाहिए थी सर कि क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर के जो पुराने रेट थे वही रेट थे या कोई रेट डिफर हुए हैं कोविड वाले में? रेट्स वही है, जो विनोद पॉल कमेटी के रेट्स थे वही रेट है। सर अभी भी बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत ज्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं। नहीं तो वहाँ के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको शिकायत करी है, वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ओके, तो रेट्स हैं वो वही रेट्स हैं, जो विनोद पॉल कमेटी के रेट्स थे वही रेट्स हैं। थैंक यू। ओके थैंक। एंड द बक वाज पास्ड टू द लोकल अथॉरिटीज। ये जो कई जगह ये लोग ज्यादा पैसे ले रहे हैं सर, उसमें क्या है? अब ये तो वहाँ के लोकल जो CMOs हैं वो देश और DM है देश उससे कंट्रोल रखे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। कोई कोई अगर कंप्लेन करता है तो दे शुड लुक आफ्टर ऑल दीज मैटर्स। तो अभी भी सर लखनऊ में तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं। आप उस वाले पे ईमेल करवाइए ना मुझे तत्काल, मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ की कार्रवाई करें। मैं तो सर कल रात में मैं 4 से 5 अस्पताल घूमा, सब में 30,000 से लेकर के 80,000 रुपए का दाम। आप मुझे तत्काल विथ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ, जो इन लोगों ने पर्चे काटे होंगे या जो बिल रेज किया होगा, इन सब नहीं, मेरे पास वीडियो है। मेरे पास वीडियो है तो मुझे वीडियो भेज दो, आप अभी वीडियो भेज दो। कौन कहता है कि सांसें ऊपर वाले की रहमत से चलती हैं? कोरोना काल में तो सांसें नीलाम हो रही हैं। अगर आपकी सांसें फूल रही हैं तो उसकी कीमत है 30,000 रुपये। अगर आपकी सांसें उखड़ रही हैं तो उसकी कीमत है 40,000 रुपये। और अगर आपके फेफड़े फेल होने की कगार पर हैं तो उसकी कीमत है
50,000 रुपए, क्योंकि यही नीलामी की बोलियां रोजाना अस्पतालों में लग रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक टीवी। कानपुर में जहां आला अधिकारी एक तरफ दम भर रहे हैं इस चीज का कि ऑक्सीजन की कोई भी क्राइसिस कानपुर में नहीं है, ना किसी तरह की परेशानी है, वहीं अगर जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएं तो तस्वीरें देखिए, तमाम लोग जो हैं यहां लगातार सुबह से वेट कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। जिनके मरीजों की हालत सीरियस है वो भी यहाँ पर लाइन लगाए खड़े हुए हैं, लेकिन उनको जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से नहीं मिल पा रहा है। जी सर, मैं कानपुर से 200 किलोमीटर इटावा के गाँव कीरतपुर, जो कि इटावा से 45 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मरीज को लेकर शाम को इटावा मोती झील हॉस्पिटल पहुँचा था। वहाँ नो ऑक्सीजन, नो बेड, मुझे रेफ़र कर दिया गया सैफई के लिए। सैफई जब मैं गया तो वहाँ पर भी पर्चा बनाया, वहाँ पर लिख दिया गया नो ऑक्सीजन, नो बेड, आप ऑक्सीजन लेके आइए। सर, मैं मरीज को लेके अपनी गाड़ी से, गाड़ी में मेरा मरीज बैठा हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और यहाँ लंबी लंबी लाइन है। पेशेंट भी यहाँ मौजूद है? पेशेंट भी जी बिल्कुल, गाड़ी में मेरी गाड़ी में मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दो दो पर्चे मेरे हाथ में हैं, मुझे गैस नहीं मिल रही है। सर, एक देखो मोती झील इटावा का पर्चा है, कल शाम का रात भर मेरा मरीज पड़ा रहा वहीं हॉस्पिटल के बाहर, कहीं इटावा में, फिर सैफई पड़ा रहा, उसके बाद मरीज को साथ में लेके गाड़ी में आया हूँ, बाहर गाड़ी में बैठा हुआ है। ये सैफई का पर्चा है जिसको यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो कि देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए बद से बदतर हालात इस वक्त हो चुके हैं और सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। लगातार अधिकारी दावे कर रहे हैं, सर हम आपके पेशेंट की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए साफ तौर पे आपको दिखाते हैं, जहां अधिकारी दम भर रहे हैं कि कानपुर में किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है और हालात ठीक हो रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, वहीं देखिए हकीकत, लोग अपने पेशेंट्स को लेकर यहां पर वेट कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर कानपुर से दिखा रहे हैं, जहां देखिए उनको कहीं इलाज नहीं मिल रहा है और वो दर बदर भटकते अब कानपुर पहुंचे। कानपुर में भी जहां हॉस्पिटल्स ने उनसे साफ तौर पर कह दिया है कि पहले वो अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था करें उसके बाद आएं, और यहां तकरीबन घंटों से यहां खड़े हैं, अपना पर्चा लिए हैं, और यहां पर तमाम लोग और भी हैं जो लगातार वेट कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिले। लेकिन कानपुर के जो हालात हैं बद से बदतर हैं, यहां किसी तरह की कोई सुविधाएं देखने को नहीं मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे थे, वहीं कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं कानपुर की, तो देखिए लॉकडाउन में जो लोगों की आवाजाही है उस पर कहीं कोई प्रतिबंध देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर दिख रहे हैं, बिना मास्क के दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर की, जहां देखिए साफ तौर पर लोग कैसे अपने जो घरों के बाहर बैठे हैं, कहीं ना कहीं जो लोगों का आवागमन है सड़कों पर वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो कानपुर में उसकी हकीकत देखने को जो है तस्वीरें कुछ अलग देखने को मिल रही हैं, जहाँ लॉकडाउन कानपुर में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लॉकडाउन कहीं भी लगा है, क्योंकि तमाम तस्वीरें आपको हम देखिए दिखा रहे हैं कानपुर में किस तरह से लोग सड़कों पर बैठे दिख रहे हैं, और तमाम लोग ऐसे हैं जो कि मास्क भी नहीं लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को एक्सटेंड भी किया गया था, तो वहीं तस्वीरें आपको अगर कानपुर दिखाएं तो देखिए लोग ना तो मास्क पहने हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग जो सड़कों पर हैं देखने को मिल रहे हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें आपको कानपुर की हम दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए तमाम लोग कैसे हैं जो अभी भी इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं कि कोरोना कितना जान घातक है उनके लिए, और तमाम लोगों को जो कोरोना के संक्रमण हैं लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं जो केसेस हैं डेथ के वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं लोग बाहर खेलते दिख रहे हैं, कई लोग बैठे हैं घरों के बाहर, और कई लोग ऐसे जिनकी दुकानें लगी हुई हैं बाहर, और लोग तमाम लोग हैं जो सड़कों पर ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये कानपुर के हालात हैं, जहां हमने आपको रियलिटी चेक दिखाया कि लॉकडाउन का किस तरह से उल्लंघन है जो देखने को कानपुर में मिल रहा है। मैं दिल्ली के मायापुरी इलाके में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के लिए लोग इस कड़ी धूप में कितनी लंबी लाइन लगाए हुए हैं, और लगातार ये लाइन लंबी होती जा रही है, और जिसको देखिए वो इस लाइन में परेशान है, हैरान परेशान है कि उसे किसी भी तरह से ऑक्सीजन गैस मिल जाए, उसके जो परेशान मरीज हैं उसके लिए सांसों का इंतजाम हो जाए,
और यहाँ पे पुलिस भी अनाउंस कर रही है लोगों को दूर होने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं है। और यहाँ पे किस तरह से लोग परेशान हैं, अपने एक अपने सिलेंडर को लगा के लाइन में डॉक्यूमेंट्स को लेकर के लोग यहाँ पे खड़े हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पे जो मायापुरी में विनायक गैस एजेंसी है वहाँ पे गैस मिल रही है और यहाँ लोग इस तरह से परेशान है। सर हमारे पास पूरे पेपर हैं, उसके बाद भी सिलेंडर भी ये देख के आइए सर, नया सिलेंडर है और अभी परचेज किया हुआ है एक सप्ताह पहले, उसके बाद भी जो है। अच्छा ये बताइए, मरीज है आपका, ये सिलेंडर तो घरों में होता नहीं है। नहीं सर, तो आप लोगों ने पहले सिलेंडर खरीदा? सर पहले हमने सिलेंडर खरीदा, यस सर, 12,500 में, 12,000 12,500, यस सर, यस सर, उसके बाद लाइन में लगे। हाँ सर, और फिर यहाँ पे बात कर दी गई कि आपको नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। सर यहाँ पे सिर्फ पीछे गेट से कालाबाजारी हो रही है, मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है मेरे साथ सर मेरे साथ हो सकता है अभद्रता भी की जाए, पीछे गाड़ी देखा जाए पीछे भी तो आप देखेंगे पीछे गेट से। तीन दिन से बैठा हूँ, तीन दिन से रिजेक्ट हो गया, नाम मेरा थोड़ा भूल गया का बड़ा रिजेक्ट हो गया, क्या मतलब तीन दिन से झक घर पे है सर। सर हॉस्पिटल में पेशेंट है, हॉस्पिटल बोल दिया कि ऑक्सीजन आपको खुद सप्लाई, ऑक्सीजन आपको खुद लेके आनी है। हमने बोला पेशेंट भी कह लो क्या एडमिट कर लेंगे, लेकिन आपको सप्लाई खुद लानी पड़ेगी, उसे कहीं से बोला हमको मतलब नहीं। जो डॉक्यूमेंट हमने लेने आया वो डॉक्यूमेंट हमने उनको लाके दिए, हमने पूछा कि हमने बताया कौन नहीं मिलेगी, हमने कहा दादाजी था, घर वालों को मिलेगी, हॉस्पिटल वालों को नहीं मिलेगी, तो आपको क्यों नहीं मिली, आपका पेशेंट घर पे है? हाँ बीमार है सर, कैसे आएगा बताओ, बोला रिजेक्ट हो गया, कैसे रिजेक्ट होगा इसका कारण नहीं बताया। ये सिलेंडर खरीदना पहले 12,000 से 15,000 में मार्केट से, उसके बाद लाइन में लगना और उसके बाद भी गैस न मिलना अपने आप में एक बहुत ही दुखद बात है। आप देख सकते हैं लाइन लंबी होती जा रही है और इसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। Delhi hospitals are still struggling to have admissions and also there are shortages of bed, oxygen and even the testing facilities. I am at the Guru Tegh Bahadur Hospital in Delhi where people out here, they've lined up for their COVID tests and they say that they have been waiting since morning and after hours nobody is there to tell them what's to be done. Let's talk to a few of them. आप बताइए आप कुछ बता रहे हैं। यस मैम एक्चुअली क्या हुआ कि सुबह 4:30 बजे मेरे को फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई है। मैं तुरंत यहाँ से आया, घर पास में ही है मेरा, और फिर यहाँ से आके वो मुझसे बोलते हैं कि पेशेंट को मॉर्चरी भेज दिया है। कौन थे आपके जो पवन कुमार शर्मा फादर थे हमारे? अच्छा। हाँ तो उनको भेज दिया है। उसके बाद फिर अब मैं इन सुबह से 5 से अब 11 बज चुके हैं लेकिन अभी तक ना वो बोल रहे हैं मॉर्चरी में अंदर कंफर्म तो कर रहे हैं कि बॉडी आ गई है पर पेपर्स नहीं आ रहे हैं। तो 6 घंटे वो कल से ही थे, उनकी हालत क्रिटिकल थी, ऑक्सीजन 30 पहुँच गई थी उनकी, उनको ऊपर 5th फ्लोर पर रखा था MCH के ये वाली बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर रखा था। मैम टेस्ट कराने के लिए खड़ा हूँ, सुबह 7 बजे आया था, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है टेस्ट कराने की रैपिड के। अब आप ये बता लो, छोटा सा बच्चा है, रैबिस का इंजेक्शन लगना उसे, ये रहा 9 साल का, सुबह से लेके खड़ा हूँ इसे और अब आप टाइम देख लो कि ये हो गया, अभी तक रैबिस के लिए जाके भी लाइन लगानी है और तब पिछले 1 घंटे से कह रहा हूँ कि मैडम रिपोर्ट अंदर देखा और रिपोर्ट देखा और रिपोर्ट देखा, लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं है कि रिपोर्ट ला के दे तो हम जाए इनका इंजेक्शन लगवा के अपना घर जाएँ। सो पीपल आर स्टैंडिंग हियर एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर कंप्लेनिंग ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड the information which is not being given properly to these patients. Most of the hospitals are overburdened, they don't have enough people to handle the patient load, they don't have enough doctors, they don't have enough beds and oxygenated cylinders, oxygen beds and ICUs. And this is the story, these are the pictures, similar pictures in most of the hospitals of national capital where we've seen record number of deaths. Deaths have been above 400 since last 3 days. That is a big figure and this continues in Delhi. Delhi is facing oxygen crisis. Right now we are here at Kalkaji area. Right behind me is Trinton Hospital. Here COVID patients are undergoing treatment. All of them are children. 10 of them are on oxygen support. Six of them are on ventilator supports. We are told that hospital is running out of oxygen and only 2 hours are left. The family members of the patients have been informed by the hospital authority. Few minutes back, we have got to know that they have arranged 2 cylinders on their own and 4 cylinders are on their way.
But how long they will take, nobody knows. And no doubt that entire nation is suffering. And most of them are who are suffering are from Delhi. And this is one of the hospitals where patients are, you know, battling for their lives. All of them are children. We pray for them that oxygen should reach there on time and no life should be lost. We are right now at the Ram Leela Maidan in the national capital, where another COVID care center is coming up. You can see this work is going on war footing. And a little while ago, Manish Sisodia, the deputy CM of Delhi, and Satyen Jain, the health minister, had come here to take stock of the situation. And after the visit, Manish Sisodia said that the work is going on full swing, and this COVID care center with a capacity of 500 beds is being made so that Delhi can tackle with the shortage of beds that it's witnessing right now due to the surge and spiraling numbers each day. New Delhi has recorded spiraling numbers of the COVID-19 cases, and past 3 days have been bad in the terms of number of deaths that have been above the figure of 400, though the positivity rate has gone slightly, it has declined slightly, but the number of deaths still continue to surge in the national capital, where we have seen a number of hospitals have been witnessing deaths due to the shortage of oxygen, and there are no availability of beds, especially the oxygenated beds and the ICUs. There is a dearth of all these resources. To overcome this, special efforts have been made in Delhi with the help of the army, and we also know that Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, has already approached the Ministry of Defence to help with 1,000 oxygenated bed hospitals and 1,000 ICU beds hospitals. So this one is being done up by the Delhi government, and 500 beds with oxygen are being made available. They'll be made available in the coming week, that has been told by the Deputy Chief Minister Manish Sisodia, because you can see how the work is going on. It might take little more time for this hospital, for this COVID care center to get started in the Ram Leela Maidan in New Delhi. And this might give a little relief for all those people who are looking for beds and who need care in this COVID pandemic. The COVID crisis has brought a lot of positive pictures also, and Team Republic wants to bring you one such picture from New Delhi's Dwarkas, this special COVID kitchen of the ISKCON temple. Here you can see this is the food initiative where the COVID patients around the NCR region are being given free COVID meals. The ones who are positive, they are home house isolated, or they are in the hospitals and they cannot cook their own meals. So this is the initiative, and this particular project has so far in the first and the second wave have fed more than 6 crore people. So this is continuing even today in the second surge. Sir, aap ye batayega ki yahan par kitna khana ban raha hai, kitne logon ke liye jata hai? Yahan kareeb abhi 50,000 logon ke liye prasad jata hai, और इसके अंदर हम सब न्यूट्रिशंस का ध्यान रख के बनाते हैं। जैसे ये मसाले हैं, दालचीनी है, लौंग है, तेज़पत्ता है, जावित्री है, छोटी इलायची है, हींग है, कलौंजी है, ये सब हम इसमें डालते हैं, कड़ी पत्ता डालते हैं। और स्पेशली ये है कि हमें इस जितना भी ये खाना बनता है इसको हम स्टीम कुक करते हैं, और बाद में इसके अंदर हम गाय का घी ऐड करते हैं। और ये जो अभी नया हमारा कोविड का हॉस्पिटल बना है 200 बेड का, उसके अंदर भी हम ये डॉक्टर्स को और जो पेशेंट्स हैं उसको हम सब करते हैं, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हर्ब्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी इम्यून सिस्टम बढ़े। यहाँ पे हम देख रहे हैं 50,000 लोगों के लिए आप कह रहे हैं खाना बनता है, कितने लोगों के, कितने कुक हैं यहाँ पर जो ये टीम काम कर रही है? अभी करीब यहाँ 80 कुक हैं, और ये डे नाइट शिफ्ट चलती है। रात को सब्जी कटिंग वगैरह होती है और दिन में हम इसको बनाते हैं। सुबह ये 3 बजे से शुरू हो जाता है और टिल 11 बजे तक ये चलता है। सो दिस होल टीम
team of around 200 people is working day and night to feed those who are suffering from COVID, from taking orders on the helpline number to cooking and then serving, going at their places, serving food to them, and then taking feedback also is a part of this food mission, which is feeding the COVID patients who are struggling and who need help. पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में है जहां पर बेड की कमी बनी हुई है और यहां पर देखिए एक परिवार है जिसने अभी अपने को खोया है। स्थिति यह है कि यहां का जो वातावरण है वो अपने आप में डराने वाला है, भयभीत करने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपनों को खोया है। क्या क्या कंडीशन बनी हुई थी, क्या बेड नहीं मिला? बेड मिला था उनको, मतलब ऑक्सीजन का लत था, मतलब कमी हो गया उनका ऑक्सीजन का, इसीलिए देखकर जो प्रशासन लेकर आया था नवादा जिला से, वो लोग एडमिट करा के अभी तक आया नहीं। कॉल पर कॉल करें, लोग आ ही ना रहा, बोला हम आ रहे हैं 5 मिनट से। हम एस पी से भी बात किए तो एस पी सर के भी नंबर दिए उनका, तो वो लोग भी उनका भी रिस्पोलिटी नहीं आ रहा है। जेलर के पास फ़ोन किए तो वो बोलें कि भेजा रहे, अभी तक भेजते हैं वो लोग, वो भी कुछ नहीं बोले। आज मेरा जो पेशेंट है नवादा जिला में, उनका क्वारंटाइन का इलाज हुआ था, तो पहला बार नेगेटिव था, जब हॉस्पिटल आए तो पॉजिटिव था। यानी 4 दिन के बाद डीएम मीटिंग रखने के बाद उनको यहाँ बिना बताए हुए ट्रांसफर कर दिया। मेरा मरीज वहाँ पर नाइन सब चीज़ का नॉर्मल था, यहाँ पर आते हुए मतलब ऑक्सीजन बहुत हार्ड हो गया अचानक डेट के। 11 बजे पहुँचे, हम लोग को बेड नहीं मिला, सुबह में बेड मिला है, रात भर रह गए। रात भर आप यहीं पर खुले में थे, अपने मरीज के साथ थे, गाड़ी में थे, लेकिन आपको बेड नहीं मिला था रात भर, सुबह में बेड मिला। डॉक्टर्स ने क्या कहा? नहीं बचा पाए कि उनका ऑक्सीजन के मतलब किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, तो कहीं ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, इसके कारण डेट कर गए। कोरोना की जांच हुई? जी हाँ। क्या आया था? पॉजिटिव था। आगे फिर वही ऑक्सीजन लगाएं तो पूरा बेचैनी तरह होने लगे, डेट कर गए अंदर में। ये है राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में, सरकारी सबसे बड़ा अस्पताल, जहां पर कोविड के पेशेंट्स को यहां लाया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है, लेकिन स्थिति ये है कि यहां बेड की कमी बनी हुई है, मेडिकल स्टाफ से यहां मौजूद नहीं है, और ऐसे पेशेंट्स को लेकर सरकार का रवैया क्या कहा जाए, यहाँ के लोगों का जो रवैया, हॉस्पिटल का जो रवैया है वो बेहद निराशाजनक है। As the second wave of COVID hits Kerala quite badly, the death rates on a daily basis has increased compared to the first wave of COVID. And behind me, you can see relatives of people who are wearing this PPE kit, and these are the last rites which have been done for their relatives. And we are at the Shanti Kavadam Smashanam, the crematorium here, where people are brought in, COVID positive people who passed away, they have been brought in. And how is the government handling even this? This is also very important. And the way the government is handling the deceased who have passed due to COVID is also very, very important. And we have somebody who's joining us. He's the health officer who's connected with the crematorium, Sri Sujit. And he will speak to us what are the arrangements which are being done. Sir, thank you so much for joining. എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവസ്ഥ? ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കേസസ് കാരണം ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ ഇത് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ മരണം? ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 21 മാർച്ചിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ മരണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് ആരംഭിച്ചത് മുതൽ 16 ജൂണിനാണ് നമ്മുടെ ശാന്തി കവാടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു കോവിഡ് ബോഡി സംസ്കരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 16 കഴിഞ്ഞ വർഷം, കഴിഞ്ഞ 2020 ആദ്യമായിട്ട് ശാന്തി പിന്നെ ഒരു കോവിഡ് ബോഡി സംസ്കരിക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പേ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ കോവിഡ് ബോഡികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് മിക്കവാറും പിന്നെ പള്ളികളിലോ പിന്നെ സെമിത്തേരികളിലോ ഒക്കെയാണ്
സംസ്കരിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ബോഡി ഇവിടെ വന്നത് പതിനാറ് ആറ് 2020 ഫസ്റ്റ് ബോഡി വന്നത് വാട്ട് ഹീ സെയിങ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് കോവിഡ് ഓൺ June 16th, 2020 വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസീസ്ഡ് കോവിഡ് പേഷ്യൻ്റ് പേഴ്സൺ ഹു പാസ്ഡ് അവേ ഹിസ് ബോഡി വാസ് ബ്രോട്ട് ബട്ട് നൗ ഇൻ ദ വെൻ ദ സെക്കൻഡ് വേവ് ഇസ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഹാവ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ഇസ് വാട്ട് ഹീ ഈസ് സെയിങ് ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് ബീൻ നോട്ടഡ് സോ ഇത് എത്ര കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതി ഒരു ദിവസം എത്ര എത്ര പേര് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ക്രെമറ്റോറിയത്തിലുണ്ട് കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശാന്തി കവാടത്തിൽ നിലവിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്രെമറ്റോറിയമാണ് രണ്ട് ബർണറാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ 29th മുതൽ മേയർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ ഗ്യാസ് ഇത്രയും അധികം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ക്രെമറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കലും ഗ്യാസിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ 24 ബോഡികൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഉൾപ്പെടെ 24 ബോഡികളാണ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നമ്മുടെ വിറക് ശ്മശാനമുണ്ട് അതിനകത്ത് 16 ബോഡി ഒരു ദിവസം നാല് വിറകിലേക്ക് നാലടുപ്പിലേക്ക് പോകും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അത് അവിടെ ഇതുവരെ നമ്മൾ കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് നോർമൽ ബോഡികൾ സാധാരണഗതിയിൽ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോവിഡ് ബോഡികൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടും വിറകിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അധികമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് 24 ബോഡികളും നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഹി സെയിങ് റൈറ്റ് നൗ ഓൺ എ ഡെയിലി ലൈക്ക് ടുഡേ ദർ ആർ 24 ബോഡീസ് ഹു ഹാവ് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി ക്രെമേറ്റഡ് ആൻഡ് ഈവൻ അറേഞ്ച് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻ കേസ് it is unfortunate but in case of something like that happens they have even made arrangements with the traditional way of using wood fire and other arrangements have been kept aside for such unfortunate events that may come but what is very important to note is that COVID second wave is serious and its impact is very high and as witnessed from the crematorium of Shanti Kavadam in Thiruvananthapuram they have ascertained that number of deaths have increased oxygen facilities people are waiting in large number from morning to refill their respective cylinders in this refilling center सर आपका पेशेंट कहाँ है और कितने दिन से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा थ्री डेज से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है हम लोग आउटसाइड से ब्लैक में लेके आ रहा है पीनिया बिरदी से लेके आ रहा है सर हॉस्पिटल में दे रहा है ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीजन का हम लोग जैसा भी हो ब्लैक से लेके आके पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है हॉस्पिटल बोल रहे हैं उनके पास नहीं है आपको खुद लेने आना ब्लैक से लेके आ रहा है हम लोग पे करके लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल को पता है आप ब्लैक से ले रहे हैं हाँ पता है सर कितना पैसे खर्च किया 5 लाख रुपए खर्चा क्या है सर एक सिलेंडर के लिए कितना 1000 रुपीज लेके ले रहा है 1000 रुपीज ले रहा है सर 1000 रुपीज हाँ कितना घंटा आता है वो 30 मिनट्स 25 मिनट्स आता है सर तो आप हर दिन एक अराउंड 30-35 लेना पड़ेगा सर 40 सिलेंडर चाहिए डेली सर डेली 40 सिलेंडर चाहिए सर Okay. You can see the plight of the people where they had to purchase 40 cylinders every single day. Sir, aapko kya takleef ho raha hai idhar? Sir, idhar cylinder khali hone mein hai. Subah se ghoom raha hu, udhar gaya. Udhar bol diya, nahi letter leke aao bol ke. Ye dekho sir. Ghar pe bed nahi mila, ghar pe hai. Abhi idhar isme nahi hota, purana hai. Isko phekna karke bol raha. Kidhar le kya karna sir ye? This is the plight of the people. People are stating that the cylinders are not comfortable for them to refill this is a kind of trauma the people are going through when they come over here this is a plight of the people people are claiming that there are one or the other excuses even if they come over here to refill their respective cylinders people are staying in home quarantine people are staying in private nursing homes remember private nursing homes and private small hospital doesn't have enough oxygen storage they're largely depend upon these kind of cylinders and there are also several ambulances which is filling the load of cylinder to their respective nursing homes and private hospitals to ensure they supply oxygen to the patients this has become a hot cake amidst COVID here in the city especially in this industrial area where large number of cylinders are supplied on a regular basis in the city
am currently present at the Stanley Hospital in Chennai, and there's a lot of demand for the beds, and there's no beds are also available. Also, the people have been treated in the ambulances over here. I also want to show you the visuals that nearly 15 to 20 ambulances have been waiting in the Stanley Hospital over here. I also go across, there's ambulances over here which are parked over here. The people are also being treated in the ambulances. Yesterday also we saw that in the Republic's coverage there are people waiting for other beds. Also along with that, the people have not given beds also. There's no oxygen enough supply given to them. People have been treated in the ambulances over here, and you can see the pictures where people have been treated in the ambulances. There's a huge waiting going for the available getting a bed in the government hospital over here. You can see the pictures where people have been waiting continuously. They have been questioning the officials and the doctors over here for availing the bed. Well, before some time, but people are also fighting with the doctors and the health officials, as there's no availability for the bed in the government hospital over here. You can see the pictures where people have been waiting over here for beds. There's no still official response from the government side or the health officials that they will be availing, but they are also treated in the ambulances. Nearly 15 to 20 ambulances have been parked inside the hospital. They are also saying that they have been waiting for beds since morning 5 a.m. and they are not still given beds. You can also see in the pictures where there are huge ambulances waiting over here and there is no beds given still now. Well, if you see in Tamil Nadu, nearly 18,000 plus cases have been reported in the past 2-3 days. Along in Chennai, nearly 6,000 plus cases have been reported. Also, show you the pictures. This is the hospital where COVID patients have been treated in the government Stanley Hospital in Chennai. We also go across to some of the people who have been waiting here for the beds. Sir, how long are you waiting for the bed? I'm coming, sir. இல்லை என்ன சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க சார் பெட்டு கிடைக்குங்கண்ணா இப்போ சொல்கிறேன்ருக்குறாங்க இந்த ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வெயிட் பண்ணுங்கன்றிருக்காங்க தே ஆர் சேயிங் தட் தே ஆர் பீன் வெயிட்டிங் ஃப்ரம் ஹாஃப் அன் அவர் அண்ட் தேர் சார் தெலிங் தட் த அஃபிஷியல்ஸ் ஹவ் டோல் தட் டெல் டெல் த டோல் தெம் டு வெயிட் Well, if you see, I'm currently present at the Victoria Hostel in Chennai, and this complete hostel has been turned as a COVID ward over here. And I'll show you the pictures where this complete hostel, this is one of the biggest colleges in Chennai, and this complete hostel has been turned as a COVID ward, and completely near 200 plus patients have been inside. Each nearly 150 plus rooms have been allocated in the Victoria Boys Hostel over here. Each of the COVID patients have been given water cans, along with that they have been also given with the proper facilities of fans, bed, and along with that, you can also see that there are nearly 7 to 8 doctors of the three shifts have been allocated for maintaining this COVID block over here. Along with that, nearly 30 to 40 people in every shift have been allocated for maintaining the whole Victoria Hostel COVID ward over here. You can also show the visuals where this is how the patients have been taken inside the hostel over here. The patients who have been sitting in the positive patients have been taken to the hostel over here with proper checkups, and also I want to show you the visuals where the government has also allocated the special buckets, mugs, and all the for the basic needs. They have been allocated special bucks, needs, all the needs have been allocated by the government, and all the measures have been taken by sanitation. And all there's a huge sanitation thermal center over here, and all the patients who have been taken inside have been sanitized again. You can see the pictures where sitting in the lawn, and also along with that, they have been given proper medications by the guidance of the doctors over here. And along with that, there are three shifts of doctors. Every shift of doctors has nearly 8 to 10 doctors in every shift. And along with that, nearly 30 to 40 maintenance people have been allocated by the government to take care of the COVID ward over here and the COVID patients over here. From waiting in long queues to hiring agents to buy remdesivir, I'm here in the Keel Park Medical College and Hospital, and what you can see behind me is just half of the line of people who are waiting to get remdesivir out here. Lines and lines of people have been coming here day after day just trying to get 6 vials of remdesivir, and this is not the first day that we are seeing the crowds who have been standing here. We'll also go across to some of the people and ask them what
வாட் தி ட்ரபிள் இஸ் சார் நீங்க ரெம்டிசிவிர்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க நீங்க எனக்கு வந்தீங்க எவ்வளவு நாளா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நேத்து மார்னிங் 9:30 ல இருந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் நேத்துக்கு நீங்க டோக்கன் வாங்கினீங்களா நேத்து டோக்கன்ல எதுவும் கொடுக்கல एक्चुअली ஒரு சீரியல் நம்பர் பீப்பிள் லைன்ல நிக்கிறவங்களே வந்து ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்களே வந்துட்டு ஒரு சீரியல் மேக் பண்ணிட்டு இது பண்ணாங்க நேற்று ஈவினிங் 200 டோக்கன்ஸ் தான் நேற்று கொடுத்துருந்தாங்க இன்னைக்கு 200 அண்ட் அபோவ் வந்து சீரியல் வந்து லைன் வேற லைனில் நின்றுட்டு உள்ளே வந்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு காலையில் வந்தவங்களுக்கு இது வரைக்கும் என்ன ஸ்டேஜ்னு தெரியாது ஓகே சார் அண்ட் யூனோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ஹாவ் பீன் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் ட்ரைங் டு ப்ரொக்யூர் ரெம்டெசிவிர் அண்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோன் டு டர்ன் டு த லெஃப்ட் அண்ட் யூ கேன் சி த லைன் ஜஸ்ட் கீப்ஸ் கோயிங் ஆன் திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தட் வி ஆர் சீங் மா நீங்கள் ரெம்டெசிவிர் மருந்துக்காக நீங்க வாங்க வந்திருக்கீங்க எப்படி இருக்கு இல்ல நீங்களும் வந்திருக்கீங்க ஏய் மாட்டி ஓட்ட கமெண்ட் சீரிக்கிறீங்க நீங்க ரெம்டெசிவிர் வாங்க வந்திருக்கீங்க எவ்வளவு நாளா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எவ்வளவு மணி நேரமா வெயிட் பண்ணிருக்கீங்க நான் நேத்து காலையில இருந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே நீங்க எவ்வளவு மருந்து வாங்கணும்ப்பா உங்களுக்கு மட்டும் வாங்கணுமா இல்ல எப்படி உங்களுக்கு மட்டும் தான் ஓகே அண்ட் நீங்க நேத்துக்குல இருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்க இது வரைக்கும் காலையில எத்தனை மணிக்கு இன்னைக்கு வந்தீங்க காலையில மட்டும் 5 மணிக்கெல்லாம் நைட்டும் வந்தோம் நைட்டு வந்து போயிட்டு பொறுப்பு காலையில் 5 மணிக்கு வந்து இன்னார் வரலாம் நின்றுட்டு இருக்கோம் டீ கூட சாப்பிட்ல சாப்பாடு சாப்பிட்ல டிஃபன் சாப்பிட்ல எதுவுமே இல்லாத காலையிலேருந்து நிற்கிறோம் சென்னையில் தான் வசிக்கிறீங்களா இல்லை இங்கேருந்து இருக்கீங்க சென்னையில் தான் I know. Okay, okay. Sorry. This is yet another person out here who is talking about the importance of being waiting here. She has been waiting since yesterday and today she has come here, almost reached the end of the line where people can be procuring remdesivir. As you can see from behind me, there is literally no social distancing being practiced despite heavy crowds out here. People are waiting in lines since early in the morning and not only is it difficult for them to be waiting in this channel, heat but they are also saying that there is also not proper management that is being taken place this is just one line that you can see behind me for people trying to procure remdesivir on the other side of the building as well there is yet another counter where people are going ahead and trying to procure remdesivir so definitely it is not only a shortage of remdesivir but it's also that the Tamil Nadu government is trying to procure more and more remdesivir and more centers that will be open for the public when it will be open and when will the stock be sold in such places where not only is remdesivir going to be procured in large quantities but also that people are able to stand here and not be in a lack of social distancing and exposing themselves the apathy here just continues So here in the Republic TV newsroom, we will show you how the great vaccine rush in Mumbai is unfolding. Let me show you why and how we are going to do this. The BMC in Mumbai has just tweeted saying, good evening, 18 to 44, all set, just a few more minutes. Your slots for the five vaccine centers, for the five centers vaccinating tomorrow opens at 7:45 p.m. All the best. And the time as of this minute is 7:43. So what we will now do is we will try and find a slot for Minu, who's part of our news desk here. She just registered herself on the Covin app. So if I can ask my VJ to come here. So Minu has registered. This is her registration. We're going to try and schedule her, okay? So we will click on the schedule and we will see how long the slots are available for, because so far, we have seen that it's very difficult to get a slot because there are limited vaccines available. So we're all waiting for the clock to hit 7:45. It's 7:44. And that's the countdown. 7:44:19, 7:44:20. The countdown is on in about 30 seconds from now. The slots will open up. Let me click on schedule now. And let's start looking with the district, searching for the district. And we have just a few seconds to go before the slots are opened up. And let's see if Minu, who's about 25 years old, can get a slot in Mumbai as soon as possible. Okay, I found Mumbai. I'm going to start searching. And the slots will be opened anytime now. I'm going to refresh the page. It's 7:45. I'm going to refresh the page now. Oops. I just lost that page. I'm going to search again.
That's I'm going to go back. I'm searching. Sorry, Minu, I'm trying my best. It's Maharashtra. And this is Mumbai. Let me try Mumbai and searching for the slots. Let me click on 18 to 44. That's 18 to 44. Okay, there are, okay, we have options available. That's okay. Booked out. Nair Hospital, we have 500 slots available. Clicking on it. Okay, Minu. We're going to book a slot for Minu on the 5th of May between 11 and 1 p.m. and I've just hit confirm. Will she get a confirmation? Let's watch out. Let's wait and watch. Will Minu get a confirmation? We've just clicked on the 11 to 1 p.m. slot. Come on. Okay, you've got a confirmation. Okay, so Minu's got a confirmation here. She's got a confirmation saying that you're successfully registered for the COVID vaccination. Now let's see if we go back and check any more slots are available. Let me go back and check and we will show you how quickly the slots are filled up. I'm going back to Mumbai. I'm searching by district. I've clicked on Mumbai. I'm clicking on the age group 18 to 44 and they're all booked out. Covishield 18 plus booked. Rajawadi Hospital booked, Nanavati Hospital booked, BKC COVID facility booked, Kupa Hospital booked, Nair Hospital booked. And look at the time. It's 7:46. 7:46 in 1 minute. 1 minute, 30 seconds. 1 minute, 30 seconds. In 90 seconds, all vaccines slots booked out. First time in India that a drive-in facility for vaccination center has been created. It has been created in Mumbai at Dadar's parking lot. What you see behind me are the vehicles of senior citizens who've been driving in through this walk-in facility. They'll be given their first as well as second jab here of the vaccine. What you see is these are the cars. They have been bought inside the parking lot and next to you is the registration counter. As they come inside the car, they'll go to this registration counter, following which they go ahead towards the vaccination center. Now, what really is important here is this is the first time that a drive-in facility has been created where people don't need to get out of their cars. They can sit inside the car and get the vaccination. There's been registration and it is in their car itself that they have to sit for half an hour for their observation. As we go further, as you move along with these cars, what you see is here we are. Some senior citizens are getting vaccinated. They don't have to step outside the car at all and can vaccinate inside. So what really is important here is to understand that this reduces their risk of infection because they will not come in touch with contact with anyone else. The doctors will vaccinate themselves inside the car, give them their certificate as well. And for going further from here, they have to go ahead and sit in their car in the observation area. This is quite an ambitious plan set up by the BMC, wherein on the first floor, they are getting vaccination done for those between the age of 18 to 45 as well, wherein people can walk in. It's a senior citizen friendly space wherein they can get vaccinated inside, sitting in the car as well as they can get a direct vaccination walking in. So there's a dual purpose that is being served over here, wherein vaccination is being done sitting inside the car as well as walk in. So there's another similar setup which has been set up on the first floor. This is in the basement, wherein because of the parking facility which is owned by BMC, it's being utilized for the dual purpose, and as a result of which it reduces the risk of infection. Now I will take you further from here. And I'll show you the observation area. I'll ask my Vijay Sani to show you the observation area. This is the observation area. You can see some senior citizens sitting here who had just walked in for the facility. Now this is the observation area. With a 50 car capacity, this is the observation area wherein people have to sit for half an hour. After that, they are asked to move out from here. The person, the guard over here, checks their receipt to see whether they have been sitting inside for half an hour, following which they are allowed to step out. So it has a dual purpose, which is friendly for citizens as well as for senior citizens and those between the age of 18 to 45 as well. We'll be right back.
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 48,000 से ज़्यादा कोविड-19 के केसेस आए। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से सिर्फ एक चीज़ की जा रही है कि नियमों का पालन करें, नियम भी सोशल डिस्टेंसिंग करें, साथ ही मास्क को पहने रखें। और अब जहां तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन लाइक कर्फ्यू लगाया गया है, सेक्शन 144 इम्पोज कर लिया गया आने वाले 15 दिनों तक, तो वहीं पर आप देख रहे हैं कि दादर का जो मार्केट, जो कोरोना के लॉकडाउन के पहले, कोरोना काल से पहले जो स्थिति दिखाई देती थी, जहां पर लोग न कि सोशल डिस्टेंसिंग करते थे, हालांकि सिचुएशन उस समय नॉर्मल थी, लेकिन लॉकडाउन होने के बावजूद इस तरीके की स्थिति फिर से दादर के मार्केट पर दिखाई दे रही है। वहीं पर लोग, कई लोग रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं, हालांकि लॉकडाउन लगाया गया उसके बावजूद सैकड़ों पर लोग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, काफ़ी फेमस मार्केट माना जाता है दादर मार्केट, जहाँ पर रोज़ाना भीड़ लगी रहती है। लेकिन इस समय जहाँ पर लोगों ने न कि सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाला है, लेकिन मास्क का भी प्रयोग ठीक से नहीं किया है। यहाँ के विजुअल्स जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हम स्थिति जो यहाँ की दिखाई दे रही है, साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस ऑफिशल जो है यहाँ पर मौजूद है, उनके ओर से भी लगातार ये कोशिश की जाती है कि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और साथ ही इस तरीके की भीड़ ना हो। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का बर्ताव कहीं ना कहीं पर आम जनता की ओर से दिखाई दे रही है, जहां पर मार्केट फिलहाल सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुली रखी गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहां पर हज़ारों में सैकड़ों में यहां पर खड़े रहते हैं। Right now, I'm reporting from Government Medical College, Anantnag of South Kashmir, where people have lined up since morning. They are waiting for the vaccine. But now the authorities at around 1:30 are telling them the vaccine is not at all available. And in fact, no tests are being done here. There is a lot of anger among the people for not only for the vaccination, but also for the test. Although just last week there has been a hurriedly press conference addressed by LG's advisor Basir Khan, where he claimed that the UT administration has purchased more than 1.25 crore vaccines, which as per him are highest in the country. But on ground, majority of the hospitals, health centers from central Kashmir to south Kashmir are without vaccination. And now here in GMC Anantnag, the doctors are also not available who have left earlier because there is no vaccine and no tests are being done. मैं इस समय भोपाल के ज्योति टाके चौराहे पर हूँ, जहाँ पर देखिए पुलिस की जो टीम है वो लगातार लोगों को रोक रही है। रोकने का मकसद ये नहीं कि उन्हें किसी तरह से उनकी मंजिल तक नहीं जाना है, चूँकि कोरोना कर्फ्यू है, तो ऐसे में पुलिस की कोशिश ये है कि कोई भी बेवजह घर से ना निकले, जो मेडिकल से जुड़े हुए, प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं वही निकलें। इसके अलावा अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उन्हें समझाइश दी जाती है, और जो बेवजह निकल रहे हैं उनका चालान भी काटे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि चालान में ये ध्यान रखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी चूँकि संक्रमित हो, इसके लिए अगर जो लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनसे जो उनका चालान जो कटता है उस नोट को भी सैनिटाइज करके पुलिस के जवान ले रहे हैं, वो इसलिए कि वो अपनी ड्यूटी भी कर सकें कड़ी धूप में, और लोगों को कहीं ना कहीं एक डर भी रहे कि अगर बेवजह निकलते हैं तो उनका चालान कटेगा। ये पहल की जा रही है भोपाल पुलिस द्वारा, और देखिए खुद थाना प्रभारी जो हैं सुधीर अर्जरिया वो भी यहाँ पर हैं। हम उनसे पूछते हैं कि कैसे कैसे केस उनके सामने आ रहे हैं। सर, आप लोग कड़ी धूप में लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें, आप अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं। अभी जो चालान लोगों के बेवजह जो घर से निकल रहे हैं उनके काटे जा रहे हैं, तो नोट भी सैनिटाइज करके लिया जा रहा है। जी हाँ, देखिए जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोविड का इस समय जो दूसरा दौर है वो काफ़ी कठिन दौर चल रहा है, और इस समय संक्रमण की जो दर है और उसके कारण मॉर्टेलिटी है जो काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए हम पुलिस जो है अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए लोगों को सजग रखने का प्रयास कर रही है कि अनावश्यक आप लोग घर से बाहर ना निकलें, और साथ ही साथ जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या हमको लगता है कि अनावश्यक निकले हुए, तो उनके विरुद्ध हम चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा स्टाफ जो चालानी कार्रवाई में लगा हुआ है वो संक्रमित ना हो, इसके लिए हम जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो हमको निर्देश मिले हैं, जैसे फेस शील्ड पहनना, मास्किंग और सैनिटाइज करना, उसका उपयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा आप देख रहे होंगे कि जो नोट हम लेते हैं।
Punjab is the state that witnessing and facing and struggling with the load of the positive cases, and in fact the hospitals are trying to manage with the shortage of the beds, oxygen as well as the other life-saving medicine also. Right now we are standing inside the COVID hospital, the Mohali Civil Hospital. I can show you the beds that is going to be installed, just because all the beds are being occupied with the COVID patients. So now they have arranged the additional beds to facilitate all the COVID patients inside the hospitals. Just because Mohali Civil Hospitals has already declared the dedicatedly COVID hospital, all the positive cases level 1, 2, 3 are being facilitated here with the doctors and with the paramedical staff. You can see the visuals that these beds has just arrived in the Mohali Hospital to meet the shortage of the beds inside the hospital, just because the beds that are available, that are, oh, they all are already occupied with the positive patients. And now these additional beds will be installed accordingly, and the patients will be facilitated according to this. We are joining with us a doctor who will provide the details and information about this installation of the new beds. Doctor, what is the condition of the hospital? Is the hospital is shortage with the beds and oxygen, just because new beds are being installed inside the hospital? कि हमारे हॉस्पिटल में पहले जो स्टार्टिंग में हुआ था, वे हमारा हुआ था 20 बेड का. देन हमने इनिशियल इनको अपग्रेड करना शुरू कर दिया. जब हमारे पास पेशेंट बढ़ने शुरू हो गए, देन वी हैव शट द ऑल द ओपीडीज एंड एमरजेंसी जस्ट हैड बीन शिफ्टेड टू द ईएसए हॉस्पिटल फेज 7 में. एट प्रेजेंट हमारे पास टोटली फुल पड़े हैं. इस वक्त 116 पेशेंट हमारे पास हैं, जिनमें से 79 के करीब हमारे ऑक्सीजन के ऊपर हैं. हमारे कम से कम 200-250 के बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर लग रहे हैं. हमको उसकी बड़ी दिक्कत आ रही है. अगर हमारा अभी तो हमारा काम चल रहा है कि हम गाड़ियाँ लगी हैं, जैसे सिलेंडर आते हैं उनको चेंज करते हैं, जैसे चल रहा हमारा. डॉक्टर साहब, जो एडिशनल पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि 120 बेड्स हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, जो और पेशेंट्स आ रहे हैं एमरजेंसी के, उनको कैसे डील किया जा रहा है? कि उनको वापस भेज रहे हैं? नहीं नहीं, जैसे हमारे पास तो अभी तो हमने टच वुड के अभी तो हमने को वापस भेजा नहीं है. पर जैसे जैसे पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे हम, अब तभी ये बेड लगाए हैं कि जो पेशेंट स्टेबल हो रहा है उनको लेवल 1 जैसे फैसिलिटी के बाहर भेजें, कि दूसरे जो जिनको नीडी पेशेंट उनको हम ऑक्सीजन पर डालें. उसको कितने और बेड्स जो हैं इंस्टॉल किए जा रहे हैं? सर, हमारे पास हॉस्पिटल में यहाँ पर कैपेसिटी 125 को कैपेसिटी नहीं है. Serum Institute of India is set to invest over Rs 2,458 crore in the UK to expand its vaccine business. The Indian vaccine maker will set up a new sales office in the United Kingdom, which will create several jobs for the Brits. It is expected to generate new business worth over $1 billion. Serum's investment will support clinical trials, research, development, and possibly manufacturing of vaccines. The investment is part of the new UK-India trade worth £1 billion, which will create 6,500 jobs in Britain. The new enhanced trade partnership will be unveiled by Prime Minister Modi and Prime Minister Johnson, which will address several trade barriers. The partnership will lift restrictions on export of British fruit and medical devices to India and enable the recognition of UK higher education qualifications. Adar Poonawalla's company is among a list of nearly 20 Indian companies across sectors such as healthcare, biotech and software services to announce significant investment plans in the United Kingdom. SII has already started phase 1 trials in the UK of a one-dose nasal vaccine for the coronavirus in partnership with Cotagenics Inc. Meanwhile, Downing Street has also squarely stressed on the importance of India to its future economic plans. Bureau Report, Republic TV. A shadow looms over IPL's fate as COVID breaches the league's bio-bubble, infecting 4 players and several staff members. The BCCI has postponed all fixtures indefinitely over the safety of players and other stakeholders. Two Kolkata players, Varun Chakravarty and Sandeep Warrier, tested positive for the virus. This led to the postponement of Kolkata's match with Bengaluru, scheduled for May 3rd. Within hours of the Kolkata players testing positive, Chennai revealed that three members of its team, including its chief executive and bowling coach L. Balaji, also tested positive.
The situation got grimmer when wicketkeeper batsman Riddhiman Saha of Hyderabad tested positive this afternoon. As of now, 29 matches have been played out of 60, and the final was scheduled to be played on 30th of May. Delhi is leading the points table, followed by Chennai and Bangalore. Hyderabad sits at the bottom of the table. In the last 2 weeks, there was a clamour to suspend IPL as the nation is putting up a strong fight against their second wave, and the suspension of the games has fans divided in opinion. Bureau Report, Republic TV.